गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का पुनः तहे दिल से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की, और खास करके जेपीएससी के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर वन पर हम लोग गहन और विस्तृत विश्लेषण कर रहे थे छात्रगण। विगत कक्षाओं में मैंने आपको इतिहास विषय जिसमें एंशियंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, अर्थात कुल 15 सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको बताया था। भूगोल विषय से भी 10 सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी। छात्रगण पेपर वन में पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी विषय से जो कि राज्य व्यवस्था कहलाती है इससे 10 सवाल पूछे जाएंगे, और मैंने आपको बताया था कि इनमें से 4 सवाल रहेंगे संविधान से। छात्रगण भारतीय संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित दस्तावेज है, छात्रगण भारतीय संविधान से सवाल आपको पूछे जाएंगे, चाहे वह भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि हो, चाहे संविधान में शामिल विदेशी स्रोत हो, चाहे संविधान की विशेषताएं हों, चाहे मौलिक अधिकार हों, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हों, चाहे मूल कर्तव्य हों, चाहे राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, संसद हों, महान्यायवादी हों, लोकसभा और राज्यसभा हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, महाधिवक्ता हो, उच्च न्यायालय हो, इन सभी को आपको तैयार करना होगा। छात्रगण संविधान में जितने चीजों का वर्णन है, जितने भी अध्याय हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पे आपको कमांड रखनी होगी। ठीक है सवाल 4 पूछे जाएंगे, लेकिन इसके लिए भी आपको कमांड रखना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण ध्यान में रखना होगा। छात्रगण सवाल आएंगे, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? छात्रगण राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष इसका जो है इसमें अध्यक्षता करते हैं। यद्यपि बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा। छात्रगण दूसरा सवाल पूछेगा, राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर किस अनुच्छेद के तहत राज्य सभा को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 के तहत ऐसा किया जाता है। छात्रगण ध्यान रखिएगा, छात्रगण राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत, जैसे ही राष्ट्रपति को आप कहिएगा 1 2 3 बस वो भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, है ना, किस चीज के लिए भागने लगेंगे छात्रगण? कानून बनाने के लिए। 1 2 3 जैसे आप लोग स्कूल में दौड़ते होंगे, स्कूल में जब गेम्स होता था आपको याद होगा, स्पोर्ट्स डे के दिन आप लोग दौड़े होंगे, तो उस समय भी कहा जाता था पहले 1 2 3 1 2 3 छात्रगण जैसे ही कहा जाता है 1 2 3 आप भागना शुरू कर देते हैं। ठीक राष्ट्रपति को भी जैसे ही राष्ट्रपति महोदय को कहा जाता है 1 2 3 वो भी भागने लगते हैं। क्या चीज के लिए भागने लगते हैं छात्रगण? कानून बनाने के लिए, है ना, ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए। राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार भी है, किस आर्टिकल के तहत? 1 2 3 के तहत है, 123 के तहत है। तो छात्रगण ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रगण आपसे पूछेगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। पूछेगा आपसे संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, है ना, तो आपको लगाना होगा अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। तो छात्रगण आपको जब तक पॉलिटिकल साइंस पर कमांड नहीं होगा, जब तक आपको पॉलिटिकल साइंस में संविधान के हर एक चैप्टर पे कमांड नहीं होगा, तब तक आपसे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, 6 to 12 राज्य व्यवस्था की पुस्तकें तो पढ़नी ही है छात्रगण, साथ ही साथ 2 पुस्तकें मैं और आपको प्रेफर करूंगा, एक हमारा संविधान, और दूसरा हमारी संसद।
छगन, ये दोनों पुस्तक के लेखक हैं सुभाष कश्यप, लोकसभा के महासचिव भी रह चुके हैं छगन, और बहुत ही रिनाउंड राइटर माने जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो इनकी पुस्तकों को जरूर पढ़ते हैं छात्रगण। इसलिए हमारा संविधान, हमारी संसद, ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस में मजबूती दिलाने में काफी कारगर साबित होंगी। सुभाष कश्यप द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, बाकी एनसीईआरटी की पुस्तकें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा छात्रगण, ये भी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो छात्रगण, पॉलिटिकल साइंस में संविधान से चार सवाल आपको पूछे जाएंगे। पूछेगा निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 324 में है, है ना। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, है ना छत्गन। पूछेगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। 35A आर्टिकल 35A भी जो जम्मू कश्मीर में था उसे भी खत्म कर दिया गया है छगन। जम्मू कश्मीर की वर्तमान जो स्थिति है उससे भी पॉलिटिकल साइंस में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उस पर भी कमांड रखना होगा। एक एक आयोग के बारे में आपको जानना होगा, कैसे योजना आयोग अब नीति आयोग बन चुका है, ये भी आपको जानना होगा। और एक एक चीजों पर मनन करना होगा, एक एक चीजों को स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। और इस पर भी आपको पैनी निगाहें रखनी होगी, इसको भी ध्यान रखना होगा, इसको भी छात्रगण मनन करना होगा छात्रगण। दूसरा सब्जेक्ट है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत ही, उससे भी सवाल पूछे जाएंगे, वो दूसरा विषय है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। छगन, लोक प्रशासन से भी प्रश्नों की संख्या चार पूछी जाएगी। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, चार प्रश्न पूछे जाएंगे लोक प्रशासन से भी, ध्यान रखिएगा छगन। लोक प्रशासन और संविधान, हमारा संविधान या संविधान के बहुत से टॉपिक्स हैं वो आपस में मिलते जुलते भी हैं, है ना। तो इसलिए लोक प्रशासन और संविधान, यदि आपने संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो लोक प्रशासन के भी प्रश्न आपको उसके अंडर में पूछे जा सकते हैं, आपको उसमें अलग से कुछ उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन लोक प्रशासन के लिए आपको बहुत सारे चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, जैसे लोक प्रशासन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किस देश में किया गया, पोस्टकार्ड थ्योरी क्या होती है, लूथर गुलिक का सिद्धांत क्या है, मैक्स वेबर का सिद्धांत क्या है, भारत में सबसे बड़े राजनीतिक शास्त्र चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का मुख्य विषय क्या है। लोक प्रशासन की शुरुआत जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे किस प्रकार से लोक प्रशासकों के जो है कर्तव्य भी बढ़ते गए। हमारे देश में जो वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, संयुक्त लोक सेवा आयोग है, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से आर्टिकल 315 के तहत काम करता है, ये सारे चीजों को छात्रगण आपको जानना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि जब भारत गुलाम था तो उस समय ICS की परीक्षा होती थी, जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। छात्रगण, लोक प्रशासन में आपसे पूछेगा भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आपको लगाना होगा लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में ICS का जन्मदाता, इंडियन सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है, है ना छगन। पहले यह परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी और इसे इस्पात का चौखटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इस्पात का चौखटा ICS की परीक्षा को। पूछ देगा आपसे वह पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने ICS की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी छात्रगण, आपका जवाब होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या जवाब देंगे छात्रगण, सत्येंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन हु कंप्लीटेड ICS एग्जामिनेशन विच वाज हेल्ड इन लंदन, ध्यान रखिएगा। पूछेगा वह पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें उम्र संबंधी विवाद के कारण ICS की परीक्षा से जो है सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी निष्कासित कर दिया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना। किस वायसराय ने ICS की परीक्षा में
उम्र सीमा को घटाकर 21 से घटाकर 19 कर दी थी। तो आपको लगाना होगा लॉर्ड लिटन, किसने कर दी थी 21 से घटाकर 19 छात्रगण? लॉर्ड लिटन ने कर दी थी। तो जब तक आपको इन सारे चीजों पर कमांड नहीं होगा, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था को आप नहीं जानिएगा, आपसे पूछ देगा कि किसी भी राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी कौन होता है, तो आपको लगाना होगा मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ध्यान देंगे छात्रगण, किसी भी राज्य का सर्वोच्च पुलिस पदाधिकारी कौन होता है, तो आपको लगाना होगा छात्रगण डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे पुलिस महानिदेशक भी कहा जाता है। छात्रगण, पदों को कैसे कैसे बांटा गया है, हायरार्की सिस्टम क्या होता है, वरीयता अनुक्रम क्या होता है, उच्च पदाधिकारी से लेकर के निम्न पदाधिकारी कैसे कैसे बनते हैं, किनकी किनकी सेवाएं कहां कहां पर होती हैं, किन्हें प्रशिक्षण कहां कहां पर दिया जाता है। जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि भारतीय पुलिस सेवा में यदि कोई अभ्यर्थी चयनित होता है तो उसे प्रशिक्षण कहां दिया जाएगा, तो छात्रगण उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। छात्रगण पूछेगा सवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के लिए यदि कोई अभ्यर्थी चुना जाता है तो उसे प्रशिक्षण कहां दिया जाएगा, तो उसे दिया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक सेवा संस्थान मसूरी उत्तराखंड में दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे छात्रगण, छात्रगण कोई यदि भारतीय राजस्व एवं वित्त सेवा के लिए IRS के लिए चुना जाता है तो उसे प्रशिक्षण कहां दिया जाएगा, तो भारतीय राजस्व एवं वित्त सेवा प्रशिक्षण संस्थान में दिया जाएगा नागपुर में, महाराष्ट्र में। तो ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे छात्रगण। लोक प्रशासन भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, एक बहुत ही मनोरंजक विषय है, एक बहुत ही शानदार विषय है, जिस पर आपको कमांड करके रखना होगा छात्रगण, और इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी। चार सवाल लोक प्रशासन से भी आपको पूछे जाएंगे, इसको भी आपको ध्यान देना होगा, इसको भी आपको मनन करना होगा, इसको भी आपको याद रखना होगा छात्रगण। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पॉलिटिकल साइंस के तहत ही जो तीसरा भाग होगा छात्रगण, पहला भाग में मैंने आपको कहा संविधान चार सवाल, लोक प्रशासन चार सवाल, अब हो गए आठ, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे दस, तो दो सवाल कौन सा बच गया छात्रगण? सत्ता का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, सत्ता का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता क्या है छात्रगण? छात्रगण महात्मा गांधी ने कहा था सत्ता का विकेंद्रीकरण सिद्धांत, यानी आम आदमी को भी सत्ता दे दो। छत्गन गांव में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य, अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर, उप मेयर, वार्ड कमिश्नर, ये जो जितने भी संस्थाएं आप देख रहे हैं, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो, चाहे वह नगर पालिका हो, इनसे सवाल आपको पूछे जाएंगे छत्गन। उनकी संख्या कितनी रहेगी? दो रहेगी छत्गन। छत्गन पूछेगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहली बार राजस्थान राज्य में लागू की गई थी, वह दूसरा राज्य कौन था जहां पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो वह दूसरा राज्य था छात्रगण आंध्र प्रदेश। कौन था छात्रगण? आंध्र प्रदेश था। ध्यान रखिएगा यह सवाल भी पूछा जा चुका है छात्रगण। पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहली बार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर स्थापित किया था, कहां पर लागू किया था? तो राजस्थान के नागौर में लागू किया था। यह भी आपको छात्रगण याद रखना होगा, यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण आपसे पूछ देगा भारत का पहला नगर निगम किस शहर में स्थापित किया गया था? तो मद्रास में स्थापित किया गया था। नगर पालिका भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। नगर पालिका संविधान के किस अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में है। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा। ये सारे चीजों से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो छात्रगण, चाहे वो नगर पालिका हो, इन दोनों पे आपको कमांड करना होगा, इन दोनों को आपको जानना होगा। मेयर क्या होते हैं? जैसे नगर निगम, बड़े बड़े शहरों में आप सुनते होंगे नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वहां के सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता है छात्रगण? मेयर, महापौर।
और उसके नीचे होते हैं डिप्टी मेयर, उप महापौर, ये सब सवाल भी पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसलिए छात्रगण एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों का अध्ययन करें, एक एक चीजों का स्मरण करें, ये सारी चीजें आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में आएंगी। आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, आपको इसे ध्यान देना होगा, आपको इसे मनन करना होगा, आपको इसे याद रखना होगा और आपको इसे दिमाग में सेट करके रखना होगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो आपको दिक्कत और मुश्किलों का सामना छात्रगण नहीं करना पड़े, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा छात्रगण, पॉलिटिकल साइंस पे यदि आप कमांड करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ें, पॉलिटिक्स की बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बना है, कौन राज्यपाल बना है, केंद्र में कौन कौन मंत्री हैं, कौन किस विभाग के मंत्री हैं, ये सब चीजें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। किसी राज्य में सरकार बदल जाती है उसको भी ध्यान दीजिए, किस राज्य में किस दल को चुनाव में कितनी सीटें आई हैं, सेकंड पोजिशन पे कौन सा दल रहा, मुख्य विपक्षी दल कौन सा है, इन सब चीजों को यदि आप ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है जिसके तहत आपको जेपीएससी में तीन चीजों को पढ़ना है, संविधान, लोक प्रशासन और सत्ता का विकेंद्रीकरण अर्थात पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका, है ना छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। अगले विषय की ओर हम लोग आएंगे छात्रगण, विज्ञान, है ना, चौथा विषय आपका जाएगा छात्रगण विज्ञान, लिखेंगे छात्रगण डैश देखे, इस विषय से 15 सवाल पूछे जाएंगे, जो निम्नलिखित भाग से पूछे जाएंगे, निम्नलिखित भाग से पूछे जाएंगे। नंबर एक लिखेगा छात्रगण, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, विज्ञान डैश देके लिखेंगे, इससे जनरल साइंस, छात्रगण सामान्य विज्ञान को जनरल साइंस कहा जाता है, इससे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। छगन क्या है सामान्य विज्ञान और 6 प्रश्न जो सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे वो क्या होंगे, ध्यान रखिएगा छगन, सामान्य विज्ञान से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों से मिलाकर के 6 प्रश्न आपको छगन पूछे जाएंगे। लगभग मैट्रिक स्तर के यदि आप खिलाड़ी रहे हैं साइंस के, मैट्रिक स्तर तक आपने साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है या इंटर स्तर पर भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, प्रश्नों का अंतर क्या है, मैट्रिक और इंटर लेवल में आपने थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ा है लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रगण प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसलिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। बहुत तेज चलती हुई कार के नजदीक या बहुत तेज चलती हुई ट्रेन के नजदीक हवा नहीं रहना चाहिए, किस नियम के तहत होता है, बर्नौली का प्रमेय सिद्धांत, मृग मरीचिका जो दिखाई देती है रेगिस्तान में वो किस कारण से दिखाई देती है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका नजर आती है, ये सारे चीजों को आपको फिजिक्स के तहत सवाल पूछे जाएंगे। न्यूटन्स लॉ आपको तैयार रखना होगा, सदिश राशि अदिश राशि तैयार रखना होगा, प्रकाश चैप्टर को कमांड रखना होगा, हीट चैप्टर को कमांड रखना होगा, ये सारे चैप्टर्स पे आप यदि कमांड रखोगे, मॉडर्न फिजिक्स पे कमांड रखना होगा तो आपको दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी छात्रगण खाने वाला सोडा, रासायनिक सोडा से लेकर के सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, है ना, सोडियम सल्फेट क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, साथ ही साथ जो है वस्तुओं को अत्यधिक दिनों तक संरक्षित रखने के लिए जो बाजार से हम लोग वस्तु लेते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड मिलाया जाता है, ये सारे चीजों को केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बायोलॉजी में भी छात्रगण जितने भी तरह के विटामिन हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, कौन सा रोग किस चीज से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन जीवाणु से होता है, कौन कवक से होता है, कौन वायरस से होता है, ये सारे चीजों से भी सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जो 6 प्रश्न आएंगे उसको बढ़िया से तैयार करना है छात्रगण और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेगा छात्रगण, विज्ञान के तहत ही नंबर 2 सामान्य विज्ञान के बाद लिखेंगे छात्रगण, लिखेंगे कृषि और प्रौद्योगिकी, कृषि और प्रौद्योगिकी,
लिखिए, इससे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे। छगन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू हुआ है, कृषि का पूरा जो व्यापक क्षेत्र हमारे देश में है कौन कौन सी चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि से संबंधित हैं, ये सारे चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। इनसे भी 6 सवाल पूछे जाएंगे। इस सेक्शन को भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर के चलना है छात्रगण, और पूरे डिटेल्स में आपको पढ़ना है। हमारे विज्ञान के शानदार मार्गदर्शक आपके बीच में आएंगे और इन विषयों से आपको रूबरू करवाएंगे, और परीक्षा उपयोगी अध्ययन के द्वारा पूरे पाठ्यक्रम को फोकस में करते हुए शानदार तरीके से आपको अध्ययन सामग्री दी जाएगी, और ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और लिखाया भी जाएगा। इसलिए इसको भी आपको छात्रगण ध्यान में रखना है, इसको भी मनन करना है ना। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे कृषि एवं प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण, नंबर 3, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लिखिए छात्रगण। इस भाग से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रगण आज का जमाना क्या चीज का है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, स्पेस साइंस का जमाना है ना। और हर चीज हमारी मुट्ठी में है। एक मोबाइल जो हमारे पैकेट में रहता है वह पूरे दुनिया के चीजों को हमारे सामने ला के रख देता है। आप अमेरिका का समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स यहीं पर बैठ करके अपने घरों में पढ़ सकते हैं छात्रगण। तो छात्रगण साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हर पहलू, चाहे वो रक्षा प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो संचार प्रौद्योगिकी हो, चाहे भारत का उपग्रह तकनीक हो, चाहे वह इसरो हो, चाहे वह चांदीपुर हो, चाहे वह भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा हो, ये सारे चीजों को आपको याद रखना होगा। पोखरण, जहां से भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को, ये सारे चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। भारत ने कौन कौन से उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं, शिक्षा से संबंधित उपग्रह कौन सा है, ये सब मॉडर्न साइंस में, आधुनिक विज्ञान में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, यानी कि आज के सूचना और प्रौद्योगिकी के तहत आपसे पूछा जाएगा। और आपको जब तक इस पर कमांड नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। भारत की कौन कौन सी मिसाइल है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये मिसाइल कैसे काम करती हैं, कौन सतह से सतह पे मार करती है, कौन सतह से हवा में मार करती है, कौन हवा से हवा में मार करती है, किसकी टेक्निक क्या है, किसका रेंज क्या है, ये सब चीजों को छात्रगण आपको तैयार करना होगा। एक एक चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत पूछी जाएंगे। 3 सवाल इससे भी आपको पूछे जाएंगे, अर्थात विज्ञान से कुल 15 सवाल छात्रगण पूछे जाएंगे, और विज्ञान विषय को भी आपको महत्व देना होगा, तभी पेपर 1 में आप अच्छा कमाल कर सकते हैं, अन्यथा आपको दिक्कतें होंगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ध्यान देंगे छात्रगण। अगले टॉपिक क्या लिखेंगे छात्रगण, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। नज़र देकर लिखेंगे छात्रगण, इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न विषयों से रहेंगे। नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं। डैश देकर लिखेंगे छात्रगण, इससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 2, सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, सतत विकास
एवं आर्थिक मुद्दे। सतत विकास एवं आर्थिक मुद्दे लिखे डस देखे, इनसे चार प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर तीन, आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण, आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण, आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन छात्रगण, वैश्वीकरण लिखे। इससे दो प्रश्न पूछे जाएंगे, दो प्रश्न पूछे जाएंगे। छगन, इकोनॉमिक्स को कहा गया है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। छगन, अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है टॉपिक उसको जानिएगा। छगन, कौन कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पिछड़ी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। साथ ही साथ छतगन, आपको यह भी जानना होगा कि कौन कौन से देश किस अर्थव्यवस्था के तहत आते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। छतगन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये सबसे भी सवाल आपको पूछे जाएंगे। What do you mean by mixed economy? तो जो जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो, जहां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को समान महत्व दिया जाता हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है छात्रगण? मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज को भी मनन करना होगा, ये चीज को भी आपको स्मरण करना होगा। छात्रगण, ध्यान देंगे, अपने आप में अर्थव्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यदि मजबूत है तो वह देश विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाता है। छात्रगण, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है, वो क्या क्या काम करता है। हमारे देश का केंद्रीय बैंक जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या करता है, किस प्रकार से नोट जारी करता है, कौन कौन से नोट जारी करता है, किस प्रणाली के तहत जारी करता है, कैसे मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करता है, CRR क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SLR क्या है, ये सब चीजों पर आपको छात्रगण कमांड रखना होगा। नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, भारत के कौन कौन से प्रमुख नोट के छापे खाने हैं, कहां कहां पर नोटों को छापा जाता है, कहां सिक्कों की ढलाई होती है, ये सारे चीजों को आपको छात्रगण जानना होगा, ये सारे चीजों को मनन करना होगा। कौन से वस्तु के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ये सारे चीजों को छात्रगण आपको इकोनॉमिक्स के तहत कमांड रखना होगा और एक एक चीजों को जानना होगा। छात्रगण, निजीकरण क्या है, प्राइवेटाइजेशन, आजकल हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है, क्या होता है ये निजीकरण, है ना, उदारीकरण आपने नाम सुना होगा, लिबरलाइजेशन 1991 में जब नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था। छतगन उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है, साथ ही साथ छतगन आपको यह भी जानना होगा, उदारीकरण वैश्वीकरण को कहा जाता है, उदारीकरण को कहते हैं लिबरलाइजेशन, है ना, लिबरल हो जाना, और वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण क्या है, ये सब चीजों को आपको समझना होगा, जानना होगा, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, FDI क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश कौन है, सबसे कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौन करता है, किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किए जाते हैं, किन किन सेक्टर्स में कितना परसेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सरकार ने अनुमति दी हुई है। हमारे देश में जो तीन सेक्टर काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसके द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर जिसे तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको भी छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा। इससे भी सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में छात्रगण
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किन किन क्षेत्रों का क्या योगदान है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पूछ देगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। ऑप्शन में देगा प्रथम प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा देगा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा देगा तृतीयक क्षेत्र। तो आपको लगाना होगा तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। ध्यान रखिएगा छात्रगण, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही मजेदार विषय है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन आपको इस पर कमांड रखना होगा। यह टेक्निकल विषय है छात्रगण, समझना होगा इकोनॉमिक्स को कि क्या है इकोनॉमिक्स, कैसे शेयर बाजार काम करता है हमारे देश में, शेयर बाजार को किस प्रकार से सेबी नियंत्रित रखती है, किस प्रकार से हमारा बीमा बाजार काम करता है जिसे इरडा नियंत्रित करती है, किस प्रकार से हमारे बैंक काम करते हैं जिसे कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे चीजें काफी इंटरेस्टिंग होंगी, जिस पर हम लोग गहन और विस्तृत विश्लेषण करेंगे छात्रगण, और एक एक चीजों पर अध्ययन करेंगे और एक एक चीजों को परीक्षा उपयोगी तरीके से जानेंगे। यह भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसे आपको छात्रगण ध्यान में रखना होगा। इकोनॉमिक्स के बाद जिस टॉपिक की ओर हम लोग आएंगे छात्रगण, जो कि सवाल आपको पूछे जाएंगे अर्थव्यवस्था के बाद, लिखेंगे छात्रगण समसामयिक घटना चक्र। समसामयिक घटना चक्र, घटना चक्र, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। डैश देकर लिखेंगे छात्रगण, इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे छात्रगण। करंट अफेयर्स क्या है, करंट अफेयर्स से कैसे आपको कमांड करना है, इसे ध्यान दीजिएगा छात्रगण। करंट अफेयर्स के तहत आपको तीन चीजों पर मुख्य रूप से फोकस करना होगा छात्रगण। पहली चीज जो होगी आपकी करंट अफेयर्स के तहत, वो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। विश्व के महत्वपूर्ण देशों में क्या हो रहा है, अमेरिका में यदि चुनाव होने वाले हैं तो कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किस किस पार्टी के हैं, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं, उनके विपक्षी उम्मीदवार किस पार्टी के हैं, आपको जानना होगा छात्रगण। इसराइल में यदि नए प्रधानमंत्री कोई बनाए गए हैं तो उनका नाम क्या है, इंग्लैंड में यदि किसी नए प्रधानमंत्री का चयन हुआ है तो वो कौन है, सिंगापुर में यदि कोई नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो उनका क्या नाम है, किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये सारे चीजों को इंटरनेशनल रूप से आपको छात्रगण देखना होगा। छात्रगण नेशनल करंट अफेयर्स के तहत आपके देश में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है, आपके देश में कौन कौन से पदाधिकारी कार्यरत हैं, भारत सरकार के वित्त सचिव कौन हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल या गवर्नर कौन हैं, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं, सेबी के प्रमुख कौन हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, ये सारे चीजों को छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे देश के महत्वपूर्ण पदाधिकारी करंट में कौन कौन से हैं। ये सब करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं छात्रगण। तीसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा छात्रगण। स्टेट करंट अफेयर्स, हर राज्य का अपना अपना एक करंट अफेयर्स होता है छात्रगण, तो उस राज्य के बारे में आपको सारी चीजों को नहीं, लेकिन उस राज्य में यदि चुनाव हुए हैं, नई पार्टी की सरकार बनी है, कौन मुख्यमंत्री बना है, उस राज्य में कौन नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ये भी सारी चीजें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद रामबाण साबित होंगी छात्रगण। इन पर भी आपको कमांड रखना होगा, इनको भी मनन करना होगा, इसे भी अध्ययन करना होगा छात्रगण। करंट अफेयर्स के तहत न केवल आपको पॉलिटिकल घटनाओं पर नजर रखनी होगी बल्कि इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स है ना छात्रगण, साथ ही साथ आपको इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स के अलावा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है ना, अवार्ड से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स, समिट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स, किस संस्था की बैठक कहां हो रही है, यूएनओ की बैठक कहां हो रही है, आईएमएफ की बैठक कहां पे हुई 2020 में, 2021 में कहां पर होगी, 2019 में कहां पर हुई थी है ना, साथ ही साथ ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ है, 2016 में कहां हुआ, 2020 में कहां हुआ, 2024 में कहां पे होगा, विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहां कहां पर हो रहा है, इस तरीके से स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। इसलिए छात्रगण आपको करंट अफेयर्स पर पैनी निगाह रखनी होगी छात्रगण। करंट अफेयर्स को यदि आपको मजबूत बनाना है तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना होगा, चाहे आप किसी भी मीडियम के क्यों ना हो, और न्यूज़पेपर छात्रगण केवल पढ़ना ही नहीं होगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ
उसके मुख्य बिंदुओं को नोट डाउन भी करना होगा, और डेली करंट अफेयर्स जो भी आपको मिलते हैं, चाहे न्यूज़पेपर के द्वारा मिलते हैं, चाहे रेडियो के द्वारा मिलते हैं, चाहे टेलीविजन के द्वारा मिलते हैं, उसको आप अपने डायरी में नोट डाउन करने की आदत डाल लें। उसको आप अपने डायरी में नोट डाउन करें, लिखें, डेट वाइज लिखें आज के महत्वपूर्ण घटना चक्र। तो इससे क्या होगा, प्रतियोगिता परीक्षा में जब आप देने जाइएगा तो एक बार कॉपी को पलट लीजिएगा तो तुरंत रिमाइंडर हो जाएगा। पढ़ा हुआ चीज आदमी एक बार देखता है तो तुरंत याद हो जाता है। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। बाकी आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन वगैरह करंट अफेयर्स के लिए आता है उसको भी ले सकते हैं, जो है अरिहंत का भी जो मैगजीन आता है, युवा पत्रिका आती है, वो भी करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सब भी करंट अफेयर्स के लिए आप जो है यूज कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण, अरिहंत का युवा जो आता है, समसामयिक घटना चक्र जो आता है ना, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल आता है, ये सब चीजों को भी आप करंट अफेयर्स के लिए ले सकते हैं। ये भी आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आपको करेगा प्रत्येक दिन समाचार पत्रों का अध्ययन, प्रत्येक दिन न्यूज को सुनना, प्रत्येक दिन रेडियो को सुनना और अपडेट रहना और उसे नोट डाउन करने की आदत डालना। नोट डाउन करने लगेगा छात्रगण तो निश्चित तौर पर आपके लिए कारगर होगा, ध्यान रखिएगा। तो करंट अफेयर्स भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है छात्रगण, 15 सवाल करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसे भी छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी आपको मनन करना होगा। नेक्स्ट लिखिएगा छात्रगण, झारखंड से संबंधित प्रश्न, झारखंड से संबंधित प्रश्न लिखिए। झारखंड से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बतलाया कि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि अपने राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं में 110 सवाल पूछता है छात्रगण। सोच लीजिए कि झारखंड का अध्ययन आपके लिए कितना जरूरी है छात्रगण। फर्स्ट पेपर में 10 सवाल झारखंड से रहेंगे, सेकंड पेपर में 100 सवाल झारखंड से रहेंगे छात्रगण। फर्स्ट पेपर में जो 10 सवाल रहेंगे जो कि झारखंड से आपको पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, वो झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की राजव्यवस्था, झारखंड की कला संस्कृति, झारखंड का अर्थव्यवस्था और झारखंड से जुड़े हुए समसामयिक घटना चक्र से सवाल पूछे जाएंगे छात्रगण। ये आपको ध्यान में रखना होगा छात्रगण। झारखंड में किस पार्टी की सरकार है, कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं, झारखंड का ऐतिहासिक विवरण क्या क्या मिलता है, झारखंड को किन किन नामों से पुकारा गया है, झारखंड में कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए हैं, ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। झारखंड में कैसा विधानमंडल है, एक सदनी है कि द्वि सदनी है, तो आपका जवाब होगा एक सदनी है, क्योंकि झारखंड में केवल विधानसभा है छात्रगण। विधान परिषद है झारखंड में, जवाब होगा नहीं, विधान परिषद नहीं है, एक सदनी है। झारखंड में कुल कितने विधायक निर्वाचित होते हैं छात्रगण, 82 कुल विधायक, लेकिन निर्वाचित विधायक कितने हैं, 81। पूछेगा निर्वाचित विधायक तो 81, लेकिन झारखंड विधानसभा में कुल कितने विधायक हैं, तो 82 हैं। एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 14 हैं। झारखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो मात्र 6 हैं। ये सारे चीजों को छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, ये सारे चीजों को आपको मनन करना होगा, ये सारे चीजों को आपको स्मरण करना होगा छात्रगण, ध्यान रखिएगा, है ना। तो झारखंड से प्रथम पेपर में भी 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे छात्रगण, जिस पर आपको पैनी निगाह रखनी होगी और एक चीजों को ध्यान रखना होगा, एक चीजों को मनन करना होगा, है ना। अगले टॉपिक की ओर जाइएगा छात्रगण, लास्ट टॉपिक पेपर 1 की लिखिएगा। सामान्य अध्ययन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय, सामान्य अध्ययन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय छात्रगण, इस टॉपिक से 15 सवाल पूछे जाएंगे। यह टॉपिक भी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लिखिएगा डैश देके छात्रगण, जीके से, इसे जीके भी कहा जाता है, जनरल नॉलेज, जीके से 15 सवाल
सवाल पूछे जाएंगे जो निम्न विषयों से संबंधित होंगे लिखे छतगन। नंबर एक विषय मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स। छतगन मानवाधिकार से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पूछेगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, है ना छतगन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? क्या क्या इनके कार्य हैं? इन सब चीजों से आपको सवाल पूछे जाएंगे, इन सब चीजों पर आपको कमांड रखना होगा, इन सब चीजों को आपको मनन करना होगा, ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरे टॉपिक का नाम लिखिएगा छतगन, पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा, सुरक्षा छतगन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। छतगन हम अपने आसपास के पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें? छतगन पर्यावरण हमारा अनुकूल कब माना जाता है? जब कुल भूमि के 1/3 अर्थात 33% हिस्से में वन हो। छतगन कुल भूमि के 1/3 हिस्से अर्थात 33% हिस्से में यदि वन हैं, फॉरेस्ट हैं, तो छतगन पर्यावरण आपके अनुकूल है। लेकिन यदि कुल भूमि के 1/3% हिस्से पर पर्यावरण यानी वन नहीं है, 33% हिस्से में वन नहीं है, तो क्या पर्यावरण आपका अनुकूल है? नहीं, प्रतिकूल है। उस दृष्टिकोण से भारत के पर्यावरण को आप क्या मानेंगे छात्रगण? प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो छात्रगण याद रखिएगा, पर्यावरण को हमें कैसे संतुलित रखना है, कैसे वन्य जीवों की रक्षा करना है, कैसे पेड़ों की रक्षा करनी है, इसी विषय से सवाल आपको पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट विषय लिखेंगे छात्रगण, नंबर 3, शहरीकरण। शहरीकरण छात्रगण, भारत में वर्तमान में शहरों की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। छतगन पहले कहा जाता था भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन क्या अब भारत की आत्मा छतगन गांवों में बसती है? जवाब होगा नहीं। तो अब भारत की आत्मा गांवों में तो बसती है, लेकिन ज्यादातर लोग गांव छोड़कर शहर की ओर आ रहे हैं। ये पलायन क्यों हो रहा है? शहरीकरण कैसे हमारे देश में काम कर रहा है? कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है? शहरीकरण के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं? ये सब चीजों से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे छात्रगण, इसी टॉपिक में ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक का नाम लिखिएगा छात्रगण, खेलकूद। खेलकूद छात्रगण, खेलकूद एक ऐसा विषय है जो हर जगह काम आता है छात्रगण। आपके झारखंड में भी खेलकूद विषय से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जेपीएससी के एग्जामिनेशन में, है ना छतगन। खेलकूद विषय से क्या क्वेश्चन आएंगे और क्या आपको जानना है इसको समझिएगा। खेलों का इतिहास आपको जानना होगा छतगन। ओलंपिक खेलों की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 में। कहां से? यूनान के एथेंस शहर से। छतगन विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत कब हुई? विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? विश्व कप हॉकी की शुरुआत कब हुई? किस खेल प्रतिस्पर्धा को सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? विश्व कप क्रिकेट को सबसे ज्यादा बार जीतने वाला देश कौन है? विश्व कप हॉकी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाला देश कौन है? विश्व कप फुटबॉल को सबसे ज्यादा बार जीतने वाला देश कौन है? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सबसे पहली बार कब हुआ था? ऐसे प्रश्न आपको खेलों में पूछे जाएंगे छतगन, ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल पूछेगा खेलकूद में ही, खेल और उससे जुड़े कप। किस खेल में कौन सा कप दिया जाता है? कुछ जगह दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से है। रंगास्वामी कप तो हॉकी से है। अजलन शाह कप तो हॉकी से है, है ना छतगन। सुब्रतो कप तो फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी तो फुटबॉल से है। तो जब तक आप नहीं जानोगे कि कौन कौन सा कप, कौन कौन सी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। छात्र छतगन
किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं। चतगन क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस है ना, बैडमिंटन में छतगन 1 या 2 खिलाड़ी खेलते हैं। तो जब तक आप नहीं जानोगे कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। पूछ देगा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। छतगन ये सब चीजों को ध्यान दें, इन सब चीजों से सवाल पूछे जाते हैं। छतगन किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है ना, पूछेगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये तो आप बहुत आसान सवाल आपको मिलेगा, तो आप आराम से लगा दीजिएगा हॉकी। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, छतगन चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है ना, छतगन अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है ना। तो ये आप जब तक आप इसे याद नहीं रखोगे कि किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तब तक क्या सवाल आपसे बन पाएंगे छतगन? नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ आपको विभिन्न खेलों में जो जुड़े हुए टर्मोलॉजी है, शब्द हैं, उसको भी ध्यान रखना होगा। पूछ देगा चाइना मैन का संबंध किस खेल से है, तो छतगन क्रिकेट से है ना। छतगन आपसे पूछ देगा कि हिटिंग बिलो द बेल्ट का संबंध किस खेल से है, आपसे पूछ देगा छतगन बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से है, तो स्विमिंग से है। यानी इस तरह के टर्मोलॉजी आपको दिए जाएंगे और उनको पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस खेल से है, तो आपको जवाब देना होगा कि ये इन खेलों से जुड़े हुए हैं। छतगन कौन सा खेल किस मैदान में खेला जाता है, उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है, कौन से स्टेडियम कहां मौजूद हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेडियम हो चाहे भारत के नेशनल स्टेडियम हो, ये सारे चीजों को शामिल किया जाता है छतगन खेलकूद में। और तो और विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी खेलकूद में शामिल की जाती है। इसलिए छतगन आपको खेलकूद से जुड़े हुए हर पहलुओं पर पकड़ रखनी होगी, हर पहलुओं पर पैनी निगाहें रखनी होगी, हर पहलुओं को ध्यान रखना होगा, हर पहलुओं को मनन रखना होगा। पूछ देगा सनी डेज किसकी पुस्तक है, तो सुनील गावस्कर की पुस्तक है ना। तो छतगन जब तक आप नहीं जानोगे कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो विभिन्न खिलाड़ी जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से भी क्वेश्चन आता है छतगन, इसलिए आपको इन सब चीजों पर कमांड करना होगा। संस्थान आपको सारे चीज का नोट्स देगी और आपको सारे चीजों को समझाएगी भी, लेकिन आपको भी इस पर अपनी पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान देना होगा, है ना। खेलकूद एक महत्वपूर्ण अध्याय है, टॉपिक है छतगन। उसके बाद लिखेंगे आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। छतगन कोई भी आपदा आती है, गुजरात के भुज में भूकंप आया, सुनामी आई, बाढ़ आया, अकाल आया, महामारी आई, तो कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है, आपदा प्रबंधन कहते किसे हैं, आपदा प्रबंधन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी आपके सामान्य ज्ञान के तहत पूछा गया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है छतगन, इसे भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखेंगे छतगन गरीबी एवं बेरोजगारी, गरीबी एवं बेरोजगारी। छतगन भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीब किसे कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगार किसे कहा जाता है, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार किन किन कल्याणकारी कार्यक्रमों को चला रही है, मनरेगा क्या है, अन्य जो विकास योजनाएं चल रही हैं गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, वह कब कब शुरू की गई, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारे चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। बेरोजगारी के आंकड़े डेटा किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, है ना छतगन। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में जिस प्रकार से भी काम हो रहा है बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए, वो सारे चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, सारे चीजों को मनन करना होगा। किस प्रकार से सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी की परिभाषा दी थी, किस प्रकार से भारतवर्ष में बेरोजगार युवक किसे माना जाता है, स्थायी बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी, प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये सब क्या हैं और इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन सब चीजों से भी सवाल आपको पूछे जाएंगे, इन पर भी आपके पैनी निगाह रखनी होगी, इन्हें भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा छतगन अगला टॉपिक सामान्य ज्ञान के तहत पुरस्कार, पुरस्कार। छतगन विश्व में और भारत में जितने भी प्रकार के छतगन पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको उस पर कमांड रखना होगा। छतगन भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है,
भारत रत्न, है ना, प्रत्येक नागरिक की अभिलाषा होती है या इच्छा होती है या आंतरिक तमन्ना होती है, वह स्वप्न देखता है कि काश मुझे भारत रत्न मिले। छतगण, भारत रत्न प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है छतगण, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। छतगण, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो छतगण दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सैन्य क्षेत्र में दिया गया सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो परमवीर चक्र। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये सभी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इन पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई, इन पुरस्कारों के तहत कितनी राशि दी जाती है, पहले विजेता कौन थे, ये सब चीजों को आपको कमांड रखना होगा छात्रगण। साथ ही साथ जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आते हैं, तो नोबेल पुरस्कार जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब की गई, कौन सा पहला भारतीय था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर, कब मिला, 1913 में, किस पुस्तक के लिए मिला, गीतांजलि के लिए, है ना, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन कहां से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है। तो ये सारे चीजों को छतगण आप जब तक नहीं याद रखोगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना छतगण। साथ ही साथ रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है, बुकर पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया जाता है, पुलित्ज़र पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इन सारे अवार्ड्स को छात्रगण जो कि मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, इन्हें पिरो कर आपको माला बना देना है, तभी आप इस पर कमांड कर पाइएगा। और ये आपको न केवल जेपीएससी के एग्जामिनेशन में बल्कि हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेशकीमती साबित होंगे, महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए छात्रगण आपको इन पर भी कमांड रखना होगा, इन्हें भी मनन करना होगा, इन्हें भी अध्ययन करना होगा, और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा। छात्रगण, दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, दूसरी बात जो आपको मनन करना है, दूसरा बात जो आपको अध्ययन करना है, उस चीज को भी ध्यान रखिएगा छात्रगण। लास्ट टॉपिक जो कि पेपर वन का है ना, उसको लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठन। छगन, यूएनओ का नाम सुना होगा आपने, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था का क्या नाम था छतगण, यूएनओ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। छतगण, यूएनओ जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसके अंगों के बारे में आपको जानना होगा, महासभा क्या है, सचिवालय क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, इन सब के क्या काम हैं, ये सारे चीजों से सवाल छात्रगण पूछे जाएंगे। यूएनओ से आपको हर टॉप टू बॉटम संस्थान आपको बताएगी, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में यूएनओ से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यूएनओ से क्वेश्चन आते हैं, पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो त्रिगवेली थे। कहां के थे, तो नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो यू थॉन्ट थे, है ना, कहां के थे, तो म्यांमार के थे, ध्यान रखिएगा छात्रगण, बर्मा के थे। तो छात्रगण ये सब क्वेश्चन आते हैं, पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है। ये क्या रह चुके हैं, तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस तरीके के सवाल भी पूछे जाएंगे, इस तरह पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, और एक एक चीजों को छतगण ध्यान रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा छतगण। प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यूएनओ के अलावा विश्व में अन्य जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF जिसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहा जाता है छात्रगण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, चाहे वह विश्व बैंक हो, चाहे वह रेड क्रॉस हो, चाहे वह अरब लीग हो, चाहे वह नाटो हो, है ना, चाहे वह यूनिसेफ हो, चाहे वह यूनेस्को हो, इन सब से भी सवाल पूछे जाते हैं, SAARC, है ना, से भी सवाल आते हैं। तो आपको छात्रगण इन अन्य संगठनों के बारे में भी जानना होगा, और इन अन्य संगठनों की जानकारी आपको प्राप्त करने से एक तीर से दो निशान होंगे, एक पंथ दो काज आपका छात्रगण हो जाएगा। वो क्या होगा कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ पर तो कमांड होगा ही होगा, साथ ही साथ छात्रगण आप इकोनॉमिक्स का भी एक टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, विश्व के प्रमुख संगठन।
तो ये आपका एक पंथ दो काज हो जाएगा छतगण। तो ये छतगण आज हम लोगों ने जेपीएससी पेपर वन के सारे सिलेबस का विस्तृत और गहन विश्लेषण और अध्ययन किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस सिलेबस को पूर्णतः समझ गए होंगे और इसी दिशा में अपने आप को आप तैयारी की ओर उन्मुख करेंगे। छतगण, अंतिम टॉपिक जो जीके की मैंने बताई, उसके लिए आप लूसेंट की किताब जो है वो ले सकते हैं। अरिहंत की भी आप किताब जो जीके की आती है वो भी आपके लिए फायदेमंद होगी, और उसमें भी जीके से जुड़े हुए, चाहे वो खेलकूद हो, पर्यावरण हो, चाहे वह आपको जो है डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वह आपको जो है प्रमुख पुरस्कार हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, अन्य संस्थाएं हो, ये सब के नोट्स उन सब चीज़ों में भी मिल जाते हैं। लूसेंट, अरिहंत की किताबें वगैरह भी जो है जीके की किताबें अच्छी किताबों की गिनती में आती हैं, और आप इनको भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपके लिए जो है सफलता में उत्तरदायी भूमिका निभाते हैं। इन पुस्तकों को भी आप पढ़ करके अपनी जानकारियों को बढ़ा सकते हैं। हम लोग भी आपको सारी जानकारियां देंगे, गागर में सागर भर करके हम लोगों भी देंगे, लेकिन आप अपना भी एफर्ट लगाते हैं तो वो भी आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। छतगण, संपूर्ण पेपर वन के सिलेबस का आज हम लोगों ने जो है गहन अध्ययन और विश्लेषण किया है, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विद्यार्थी इस पूरे पेपर वन को समझ गए होंगे कि उन्हें कैसे कैसे किस दिशा में काम करना है, कैसे कैसे उन्हें मेहनत करनी है, किस दिशा में मेहनत करनी है, और कैसे अध्ययन की रणनीति बनानी है ताकि सफलता सुनिश्चित की जा सके। इसी सब बातों के साथ छात्रगण आज हम लोग कक्षाओं को यहीं पर विराम देंगे और आगे से अपने पढ़ाई की ओर हम लोग उन्मुख हो जाएंगे। विभिन्न विषयों का अध्ययन हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे और सामान्य अध्ययन के इस पेपर पर अपना कमांड करेंगे ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो कहीं भी दिक्कत और मुश्किलों का सामना आपको छात्रगण नहीं करना पड़े। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों।